नमस्कार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है 23 जनवरी और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेके और बाकी जगहों पे लगातार सुभाष बोस की तमाम सारे कोटेशंस आ रहे हैं, तमाम सारी बातें आ रही हैं उनके बारे में। आप देखेंगे अलग अलग तरह का व्यू अलग अलग जगहों से आ रहा है। तो मेरा कंसर्न एक लेखक के तौर पर यह है कि सुभाष चंद्र बोस को, सही सुभाष चंद्र बोस को, असली सुभाष चंद्र बोस को, या यूं कहें कि समग्र सुभाष चंद्र बोस को समझने के लिए क्या स्रोत हो सकते हैं, कौन सी किताबें हो सकती हैं। तो आज मैं आपके पास कुछ किताबें लेकर आया हूं, कुछ किताबों की सूचना लेकर आया हूं कि सुभाष चंद्र बोस को जानने के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, किसी को भी जानने के लिए, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे विनायक दामोदर सावरकर हो, चाहे नेहरू हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, या मार्क्स हो, या कोई भी हो, किसी को भी जानने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सही स्रोत क्या होता है? उसका अपना खुद का लिखा, जो उसने खुद लिखा है, खुद कहा है, खुद भाषण दिए हैं, उसमें जो स्टैंड लिए हैं, उससे सबसे पहले समझ में आता है कि वो व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति का स्टैंड क्या रहा है, अलग अलग लोगों के बारे में उसकी सोच क्या रही है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी किताबों के बारे में बता रहा हूं जो किताबें सुभाष बाबू ने खुद लिखी हैं या जो उनके खुद के लिखे का कलेक्शन है। पहली किताब जो मैं कहूंगा वो हिंदी की एक किताब है, इसका संपादन किया है शिशिर कुमार बोस और सुगता बोस ने। किताब का नाम है सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा, अपनी आत्मकथा वो पूरी नहीं कर पाए थे। ये अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, लेकिन हिंदी के पाठकों के लिए मैं बता रहा हूं, आप बगल में उसकी तस्वीर देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा। अब मैं क्यों शिशिर कुमार बोस और सुगता बोस की किताब सबसे पहले पढ़ने को कह रहा हूं, उन्होंने एडिट किया है इसको, क्योंकि शिशिर कुमार बोस कौन थे? शिशिर कुमार बोस शरद चंद्र बोस के लड़के थे। शरद चंद्र बोस कौन थे? सुभाष बोस के बड़े भाई थे, और सिर्फ बड़े भाई नहीं थे, दोनों लोग साथ में कांग्रेस में रहे, और सुभाष चंद्र बोस अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे तो वो अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस के ऊपर करते थे। आपको पता है जब वो कलकत्ता से निकले, अफगानिस्तान गए और फिर वहां से जर्मनी गए, तो उनकी सहायता जिसने की थी वो शिशिर कुमार बोस थे, और सुगता बोस, प्रोफेसर सुगता बोस, उन्हीं शिशिर कुमार बोस के लड़के हैं, यानी भतीजे और भतीजे के बेटे हैं। और सुगता बोस बड़े रिसर्चर हैं सुभाष बोस पर, ओरिजिनल सोर्सेज जो हैं, ओरिजिनल सुभाष का लिखा जो है वो इन लोगों के पास मौजूद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहली किताब जो मैं आपको कह रहा हूं वो है सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा, जिसका संपादन शिशिर कुमार बोस और सुगता बोस ने किया है, और जैसा मैंने बताया ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। इसके अलावा शिशिर कुमार बोस और सुगता बोस ने सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई एक और किताब द इंडियन स्ट्रगल 1920-1942 का भी संपादन किया है। यह भी सुभाष बोस द्वारा लिखी हुई ओरिजिनल किताब है, इसे भी आपको पढ़ना चाहिए, इसे ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक्स ने छापा है। इसके अलावा फिर शिशिर कुमार बोस और सुगता बोस ने एक किताब एडिट की है द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसमें सुभाष चंद्र बोस के कई महत्वपूर्ण भाषण, उनके द्वारा लिखे गए कई पर्चे, ये सारी चीजें इसमें संकलित हैं। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये किताबें जो सुभाष बोस का खुद का लिखा हुआ जिसमें है, और जिसे उनके प्रिय भतीजे और उनके बेटे ने संपादित किया है, ये उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। असल में शिशिर कुमार बोस और सुगता बोस ने कलकत्ता में नेताजी संग्रहालय की स्थापना की है, नेताजी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है, और उसने नेताजी ने जो खुद लिखा है, बोला है, उनके पत्र हैं, उनके भाषण हैं, उनके लेख हैं, उन सबको कई कई खंडों में संकलित किया है। उसमें 10 खंडों में शायद संकलित किया हुआ है, मैं अभी तुरंत सारे खंड मेरे पास यहां नहीं है, तो उन खंडों को आप बिल्कुल वहां से हासिल कर सकते हैं। ये सारी किताबें जो हैं उन खंडों का हिस्सा है।
इसमें से एक महत्वपूर्ण तो नहीं उतना लेकिन रोचक किताब के बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा। अपनी पत्नी एमिली शैंकेल को जो उन्होंने पत्र लिखे थे वो सारे के सारे पत्र संकलित हैं। किताब का नाम है लेटर्स टू एमिली शैंकेल और फिर इसका जो संपादन किया है वो शिशिर कुमार बोस और सुक्ता बोस ने किया है और इसको परमानेंट ब्लैक ने छापा है। सारी तस्वीरें मैं बगल में आपको दिखाते जा रहा हूं। इसके बाद आता है नंबर उनकी जीवनियों का जो दूसरे लोगों ने लिखा, बायोग्राफी जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बायोग्राफी उनकी मानी जाती है वो तो शरद चंद्र बोस और शिशिर कुमार बोस ने ही लिखा हुआ है। शरद चंद्र बोस और शिशिर कुमार बोस का ही काम है और उसका नाम है हिज मैजेस्टीज अपोनेंट। हिज मैजेस्टी मतलब अंग्रेज जो थे वायसराय, तो हिज मैजेस्टीज अपोनेंट वायसराय या अंग्रेजी हुकूमत के मुखालिफ उनके विरोधी सुभाष चंद्र बोस। इस किताब का जो सब टाइटल है वो है सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर। ये किताब सुक्ता बोस की लिखी हुई है, सुक्ता बोस ने इस किताब को लिखा है और मैं चाहूंगा इस किताब को आप जरूर पढ़ें। ये पेंगुइन से आई है ये किताब। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग उनकी बायोग्राफी, उनकी क्या बल्कि शरद चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों की संयुक्त एक बायोग्राफी मुझे मिली और जो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी, रूपा ने छापी है, लियोनार्ड ए गार्डन की ये किताब है। इसका नाम है ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, राज के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ भाई। आप इसके कवर पर देख रहे हैं कि शरद चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों की तस्वीरें हैं और मुझे ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक तो देखिए क्या होता है ना कि जब बाहर का कोई आदमी लिखता है, कोई विदेशी लिखता है, कोई रिसर्चर लिखता है, तो उसके कोई पूर्वाग्रह नहीं होते हैं, ना तो उसको किसी को हीरो बनाना होता है, ना उसको किसी को विलन बनाना होता है, तो बाहर से देखने का अपना मजा होता है। बायोग्राफीज के मामले में कम से कम मुझे हमेशा लगता है कि जो बाहर के या गैर संबंधी लोग लिखते हैं बायोग्राफीज, वो हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसी ही एक बायोग्राफी का नाम मैंने आपको बताया, लियोनार्ड ए गार्डन का है, ब्रदर्स अगेंस्ट राज। एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट उनकी बायोग्राफी है, ये उनकी जिंदगी के उस हिस्से पे है जो यूरोप में गुजरा। आप जानते हैं कि वो पढ़ने के लिए भी यूरोप गए थे, आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था आईसीएस की परीक्षा से क्योंकि वो अंग्रेजों के नौकर नहीं बनना चाहते थे। उसके बाद जो उनका वहां का सारा संघर्ष था यूरोप का, फिर वो लौट के भारत आते हैं। भारत जब वो आते हैं तो कांग्रेस के साथ सक्रिय होते हैं और फिर अंत में जब अंग्रेज उनको पूरे युद्ध के दौरान जेल में बंद रखना चाहते हैं तो किस तरह से बीमारी का बहाना बनाकर वो अपने घर जाते हैं एल्गिन रोड पे और वहां से भाग के फिर अफगानिस्तान जाते हैं, अफगानिस्तान से जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से फिर जापान जाते हैं और जापान से विश्व युद्ध में हिस्सा लेते हैं। तो यूरोप की जो उनकी पूरी जिंदगी है, यूरोप में जो वक्त उन्होंने गुजारा है और काफी लंबा वक्त अपनी जिंदगी का नेताजी ने यूरोप में गुजारा है, उस पर ये जॉन कलमैन की किताब है नेताजी इन यूरोप। तो उनकी पूरी बायोग्राफी तो नहीं है लेकिन उनकी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की बायोग्राफी है। इसके अलावा हिंदी में शिशिर कुमार बोस ने उनकी एक बायोग्राफी लिखी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से उसका अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में ही लिखी होगी, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रीय जीवन चरित माला जो छापी थी नेशनल बुक ट्रस्ट ने, उसी में इस किताब को छापा गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, यू टाई की जैको पब्लिकेशन से छपी हुई मेरे पास है। इस किताब का नाम है सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर। ये किताब भी सुभाष बाबू के जीवन के बारे में उनकी एक बड़ी खूबसूरत बायोग्राफी है। मैं इस किताब को भी पढ़ने का आपको रिकमेंडेशन दूंगा। ये सारी किताबें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हम तो लेखक हैं, हमको ये सारा कुछ पढ़ना पड़ता है सच के पास पहुंचने के लिए। आपको इन किताबों के बारे में जो मैं बता रहा हूं उसके बाद अगर कोई रुचि जगती है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाली किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, ये वाली किताब पढ़नी ही चाहिए, तो वो किताब आप खरीद के पढ़ सकते हैं। ये सारी किताबें मुझे लगता है अमेजन पे मिल जाएंगी। उसके बाद नेताजी के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा था जिसके लिए उनको याद किया जाता है वो आजाद हिंद फौज के साथ था। आप जानते हैं कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वो रास बिहारी बोस ने की थी, लेकिन फिर जब सुभाष बाबू जापान पहुंचे जर्मनी से
तो इसकी कमान उनको सौंप दी गई, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और नेतृत्व करके अंग्रेजों के खिलाफ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें लड़ाई लड़ी। हालांकि वो लड़ाई लगभग असफल ही रही, हिंदुस्तान के अंदर तो वो आ नहीं पाए और उसके बाद विमान दुर्घटना में आप जानते हैं उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो ये जो INA का एक्सपीरियंस था, आजाद हिंद फौज क्या थी, उसमें कैसे काम होता था, सांप्रदायिक तौर पर उसका क्या दृष्टिकोण था, धर्म को लेकर, जाति को लेकर उसका क्या दृष्टिकोण था, ट्रेनिंग कैसे होती थी, नेताजी अपने लोगों के साथ बिहेव कैसे करते थे, ये सब अगर आपको जानना हो तो INA पे लिखी, इंडियन नेशनल आर्मी पे लिखी कुछ बहुत अच्छी किताबें हैं। जिस किताब से मैं शुरुआत करना चाहूंगा वो रूपा ने छापी है, पीटर वार्ट फे की किताब। इसका शीर्षक है द फॉरगॉटन आर्मी, India's Armed Struggle for Independence 1942 to 1945। तो ये जो The Forgotten Army है पीटर वार्ड फे की, ये मुझे एक जरूरी किताब लगती है INA को समझने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे इंसाइडर्स जो INA में थे उन लोगों ने अपने अपने अकाउंट लिखे हैं, जैसे कल्याण कुमार डे ने लिखा है नेताजी India's Independence and British Archives। तो न केवल INA बल्कि ब्रिटिश आर्काइव्स में जो सब कुछ नेताजी के बारे में है, जो ब्रिटिशर्स के आपस के पत्राचार वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनकी झलक इसमें आपको मिल जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। ऐसे अय्यर जो उनके बहुत करीबी साथी थे उन्होंने किताब लिखी है स्टोरी ऑफ INA, यानी कि आजाद हिंद फौज की कहानी, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा के घोष की किताब है द इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का अनुवाद हुआ, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत किताब जो मुझे लगी वो मेजर जनरल मोहम्मद जमान कियानी की किताब है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड द ग्रेट INA। ये किताब भी आसानी से आपको मिल जाएगी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसका जो फोरवर्ड है, इसकी जो भूमिका है, वो सुक्ता बोस और शिशिर कुमार बोस ने लिखी है। और आखिरी किताब जो मैं इस सब के क्रम में बता रहा हूं वो शाहनवाज हुसैन शाहनवाज खान साहब की लिखी हुई किताब है माय मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। आप जानते हैं शाहनवाज खान उनके करीबी थे, जनरल थे, और उसके बाद जब गिरफ्तार करके INA के सैनिक लाए गए थे तो उसमें शाहनवाज भी थे। आप जानते हैं एक सिख, एक मुस्लिम और एक हिंदू जो थे उसमें शामिल थे, शहगढ़ ढिल्लन शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज शहगढ़ ढिल्लन शाहनवाज। तो वो शाहनवाज जो बाद में फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, मंत्री भी रहे, और जिन्होंने जो पहली कमेटी बनाई गई थी नेताजी की मौत पर, जब विवाद शुरू हुआ कि नेताजी मरे हैं कि नहीं, तो वो पहली कमेटी जो बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता शाहनवाज साहब ने की थी और उसकी रिपोर्ट दी थी। तो उनकी किताब ये है माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी, आजाद हिंद फौज और इसके नेताजी के मेरे संस्मरण। तो ये कुछ एक किताबें मैंने आपको बताई जो आपको पढ़ना चाहिए सुभाष बाबू के करीब पहुंचने के लिए, असली सुभाष बाबू को जानने के लिए, और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं जब अमेजन पर सर्च कर रहा था कुछ दिनों पहले, जब मैंने सुभाष बाबू पर रिसर्च शुरू किया, पढ़ना शुरू किया कोई साल भर पहले, तो मैं कुछ किताबें सर्च कर रहा था और दुनिया भर की कूड़ा बायोग्राफीज हैं जिनको देखते ही लगता है कि वो किसी खास उद्देश्य से लिखी गई, या फिर ऐसा है कि बहुत सस्ती टाइप की इन्हीं किताबों की नकल करके यहां वहां से वो बायोग्राफीज लिख दी गई हैं। वो जरा सा देखने से, उनमें से कुछ किताबें मैंने मंगा भी ली थी, उनको पढ़ के मेरे समझ में आ गया कि मेरी जो समझ थी उन किताबों के बारे में वो सही थी। इस तरह की कचरा बायोग्राफीज से बचे जो केवल शौर्य गाथाएं हों, केवल बढ़ा चढ़ा के लिखने के लिए हों। कुछ नए तरह के रिसर्चर्स आए हैं जो एक तरफ दिन रात सत्ता का चरण चुंबन करते हैं, लगातार वो दक्षिणपंथी विचारधारा के साथ खड़े होते हैं और उस सुभाष चंद्र बोस का एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं जिन्होंने जीवन भर खुद को वामपंथी कहा, और वामपंथी उस रूप में नहीं जिस रूप में कम्युनिस्ट होते हैं, CPI या CPM होते हैं, वो कांग्रेस के अंदर ही जो थोड़ी रेडिकल धारा थी, वामपंथी धारा थी, उसका अपने आप को मानते थे कि मैं इसका प्रतिनिधि हूं, और उन्होंने भारतीय वामपंथ के लिए एक नाम दिया था साम्यवाद, और वो बड़ा उनका घालमेल था, उसमें आध्यात्मिकता भी थी और उसमें मजदूरों की भी बात थी और भी बहुत सारी चीजें थी, जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक मामले को लेकर नेताजी बिल्कुल स्पष्ट थे, सांप्रदायिकता को। अपने कई लेखों में उन्होंने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों की भर्त्सना की है। आप जानते हैं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज बनी थी
वहां सांप्रदायिकता का कोई मामला नहीं था। उस फौज में हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। और बहुत मजेदार यह है कि उस जय हिंद नारा बना ही ऐसे क्योंकि सब लोग सिख जो थे वो अपना सत श्री अकाल बोलते थे, हिंदू जो थे वो जयराम जी की बोलते थे, मुसलमान जो थे वो सलाम बोलते थे। तो ये हुआ कि कोई एक नारा ऐसा बनाया जाए जो किसी धर्म से जुड़ा ना हो। जय हिंदुस्तान की बात हुई और फिर वो जो है जय हिंद में बदल गई। तो एक इस तरह की आर्मी उन्होंने बनाई थी जिसमें सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं थी। और उनकी बात, उनका एक्सपर्ट होने का दावा जब ऐसे लोग करते हैं जो पूरी तरह से दक्षिण पंथ के दलदल में फंसे हुए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसको पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हालांकि सच जानने के लिए सब पढ़िए, मैं किसी को पढ़ने से रोक नहीं रहा हूं, लेकिन ये कुछ किताबें जो एज ए रिसर्चर मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है सुभाष बाबू को समझने के लिए, वो किताबें मैंने आपके साथ साझा की। मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो के डिटेल्स होते हैं उन डिटेल्स में इन किताबों के नाम या लिंक या जो भी संभव होता है वो मैं दे दूं। तो आज के लिए इतना ही। सुभाष बाबू की आज जयंती है। आज सुभाष बाबू का कोई इनमें से कोई एक किताब, कोई अच्छी किताब जरूर खरीदिए, पढ़िए, और आसपास जो जहरीला माहौल है उस माहौल में जो सुभाष बाबू को लेकर घटिया बातें हो रही हैं उनका मुकाबला कीजिए। मेरी तरफ से, क्रेडिबल हिस्ट्री की तरफ से, सुभाष बाबू को सलाम, सुभाष बाबू को जय हिंद, और आप सबको नमस्कार।